हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी रवि झा। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में इस बात का डिस्कशन किया था कि हम लोग नीति आयोग के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जब हम लोग प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स के बारे में डिस्कशन किए थे। तो अब ना प्लानिंग कम, ना ही अब 5 ईयर प्लान रहा और ना ही प्लानिंग कमीशन रही, उसको रिप्लेस किया गया किसके थ्रू? नीति आयोग के थ्रू। तो हम लोग डिस्कस करते हैं नीति आयोग। तो क्या था कि इन 2015 इन 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप नीति आयोग। नीति आयोग स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। तो नीति का मतलब क्या होता है? नीति मीन्स पॉलिसी, आयोग मीन्स कमीशन। अब ये नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग लाने का रीजन क्या था? रीजन इसको लाने का क्या था कि द नेचर ऑफ इकोनॉमिक चेंज टुवार्ड्स मार्केट डोमिनेटेड। पहले क्या था कि क्लोज्ड इकोनॉमी था, लाइसेंस राज था। तो 1991 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म एलपीजी लाया गया था, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ था, इकोनॉमी ओपन होने लगा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ने लगे थे और रुपीज को भी क्या किया गया, धीरे 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 डिवैल्यू वो मार्केट बेस्ड कर दिया गया था। तो एक्चुअली क्या हुआ, मार्केट का जो नेचर है, वो जो अपना इकोनॉमी का नेचर है, वो क्या हुआ, मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम होने लगा। इसके बाद द राइट ऑफ स्टेट्स और गिवन ग्रेटर कंसिडरेशन फॉर विच ए न्यू स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक वाज रिक्वायर्ड। डायनेमिक मतलब गतिशीलता, एक नया संरचना और गतिशीलता रिक्वायर्ड हुई, क्योंकि उसमें प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, एक सेंट्रलाइज होते थे और स्टेट जो होता था, सेंटर का जो भी सेंटर जो प्लानिंग कमीशन ने जो दिया उसी के बेस पे वो काम करते थे। तो उसमें स्टेट एक्चुअली डिपेंडेंट था। इसमें क्या हुआ कि स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन बनने लगा। तो इसके लिए राइट जो ग्रेटर कंसिडरेशन दिया गया किसके ऊपर, स्टेट्स राइट के ऊपर। इंडिया इज डाइवर्सिफाइड कंट्री एंड इट्स स्टेट आर इन वेरियस फेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इंडिया के जो जितने स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट का सेम कंडीशन नहीं है। जैसे साउथ में जाइएगा तो समुद्र से लगे हुए हैं, बीच में आइएगा तो समुद्र का कुछ नहीं है। तो उसमें क्या है कि हर स्टेट का अपना अपना कंडीशन है, उसके बेस पे उनका डेवलपमेंट है। तो वेरियस फेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये वन साइज फिट ऑल। प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, सेंटर बनाई और सब स्टेट में सेम वे में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही थी। अप्रोच टू द इकोनॉमिक प्लानिंग इज ऑब्सोलीट। तो ये वो वन साइज फिट फॉर ऑल जो इकोनॉमिक हम लोगों का प्लानिंग था, वो क्या था, ऑब्सोलीट, वो खत्म हो चुका था। और इट कैन नॉट मेक इंडिया कॉम्पिटेटिव इन टूडेज ग्लोबल इकोनॉमी। और जो पुराना जो हम लोग का स्ट्रक्चर था, वो इंडिया को ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल इकोनॉमी में कॉम्पिटेटिवनेस नहीं दे पा रहा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नीति आयोग में, नीति आयोग कंपराइजेज द फॉलोइंग, मतलब नीति आयोग में कौन कौन क्या क्या शामिल है। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, इसमें क्या होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। और इसका गवर्निंग काउंसिल ये कंपराइज है द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट से यूटी एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल इनवाइटेज। तो चेयरपर्सन हो गए प्राइम मिनिस्टर, गवर्निंग काउंसिल जो इसका है उसमें कौन होगा, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स और यूटीज और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज है उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड स्पेशल इनवाइटेज। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क कंपराइजेज ऑफ, मतलब इसमें कौन कौन शामिल है, तो जी वाइस चेयरमैन, मेंबर्स फुल टाइम, पार्ट टाइम मेंबर्स। और पार्ट टाइम मेंबर्स जो है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दो, फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स रिलेवेंट इंस्टीट्यूशंस इन एन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी। इन एन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी मतलब होता है बिकॉज ऑफ या बाई वर्च्यू ऑफ, मतलब आप पहले एज ए हेडमास्टर स्कूल क्या है, वो क्या है, हेडमास्टर के पोस्ट पे रहते हुए वो चेयरपर्सन। तो ये क्या है कि उस यूनिवर्सिटी के, उस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ये पहले मेंबर होंगे, तब जाकर क्या होगा, ये एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में इसके पार्ट टाइम मेंबर बन सकते हैं। बता दें ये पोस्ट होना जरूरी है, बिकॉज एक पोस्ट के कारण दूसरा पोस्ट मिलना। तो पार्ट टाइम मेंबर्स विल बी ऑन रोटेशनल बेसिस, इसको रोटेशनल बेसिस पे रखा जाएगा। अब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, फोर, चार हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कितने हो सकते हैं, चार। ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय, इसको कौन नॉमिनेट,
करेगा तो एक्स ऑफिशियल मेंबर जो मैक्सिमम चार हो सकते हैं इनको भी कौन नॉमिनेट करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर, और स्पेशल इनवाइटेड फ्रॉम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इसके बाद जैसे कि सीएफओ सीईओ होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे और रीजनल काउंसिल्स, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये रीजनल काउंसिल मे बी फॉर्म टू एड्रेस सच स्पेसिफिक इश्यूज एंड कंटिंजेंसी इम्पैक्टिंग मोर देन वन स्टेट्स और स्टेट और ए रीजन। तो रीजनल काउंसिल होगा क्या होगा, इसको फॉर्म किया जाएगा एड्रेस करने के लिए कोई स्पेसिफिक इश्यूज हो, कितना जो मोर देन एक से ज्यादा स्टेट और रीजन को प्रभावित कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हो, द रीजनल काउंसिल्स विल बी कॉन्वेंट, मतलब बुलाया जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड विल कॉम्प्राइज ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द रीजन। इसको बुलाया किसके द्वारा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और इसमें कौन कौन होगा, चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, और दीज विल बी चेयर्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग और हिज नॉमिनी यानी कि प्राइम मिनिस्टर, और एक्सपर्ट्स होंगे इसमें, स्पेशलिस्ट होंगे एंड प्रैक्टिशनर्स विद रिलेवेंट डोमेन नॉलेज एज ए स्पेशल इनवाइटी नॉमिनेटेड बाय द एबी, कौन नॉमिनेट करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर। रीजनल काउंसिल बुलाया कौन, प्राइम मिनिस्टर। एक्सपर्ट्स जो होंगे उसको कौन करेगा, अपॉइंट करेगा, तो नॉमिनेट करेगा प्राइम मिनिस्टर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ टू बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर ए फिक्स्ड टेनर। तो ऑर्गेनाइजेशनल कंपोजिशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, चेयरपर्सन जो प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन, फुल टाइम मेंबर जो कि चार होंगे, फुल टाइम मेंबर चार, उसके बाद पार्ट टाइम एक्स ऑफिशियो दो, मैक्सिमम दो, उसी तरह एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने होंगे, चार। उसके बाद रीजनल काउंसिल जब स्पेसिफिक इशू होगा किसी रीजन स्टेट को लेके, तो उसके लिए इसको बनाया जाएगा, इसका कौन बुलाएगा, प्राइम मिनिस्टर। इसमें कौन से शामिल होंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और इसको चेयर कौन करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद क्या होगा, एक्सपर्ट्स स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिशनर विल बी विथ रिलेवेंट डोमेन नॉलेज, स्पेशलिस्ट जो होंगे उनको एज स्पेशल इनवाइटी ये भी नॉमिनेटेड कौन करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि करेंट में ये जो कॉम्पोजिशन है इसमें कौन कौन से लोग मेंबर हैं। तो अभी जो चेयरपर्सन है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण एंड नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद स्पेशल इन्वाइटेड कौन कौन से हैं अभी, तो नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, वीरेंद्र कुमार, अश्विनी वैष्णव एंड राव इंद्रजीत सिंह। और फुल टाइम मेंबर्स में कौन कौन है, वी के सरावत, ये कौन है, फॉर्मर डीआरडीओ चीफ, रमेश चंद एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं एंड डॉक्टर वी के पॉल एक हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, अमिताभ कांत। ये फर्स्ट जा था उसमें कौन था, अरविंद पनगड़िया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव एंड एम्स ऑफ नीति आयोग क्या क्या है, तो इट इज ए थिंक टैंक। क्या होता है, ये विशेषज्ञों का समूह होता है, एक्सपर्ट्स होते हैं, नंबर एक्सपर्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं स्पेसिफिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशू के ऊपर। तो ये थिंक टैंक है दैट प्रोवाइड करता है क्या, गवर्नमेंट provides government at the central and state level with relevant strategic and technical advice across the spectrum, range of key elements of policy such as Make in India, Digital India and Swachh Bharat। तो एक थिंक टैंक है जो विशेषज्ञों का समूह, इसमें क्या है, वो गवर्नमेंट स्टेट सेंटर और स्टेट लेवल गवर्नमेंट को क्या करता है, तकनीकी और रणनीतिक की एलिमेंट्स जो क्या करता है, अक्रॉस द एडवाइस जो सलाह देता है, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम रेंज ऑफ की एलिमेंट्स ऑफ पॉलिसी, जो भी पॉलिसी है, जो मुख्य पॉलिसीज है उसके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों को तकनीकी और रणनीतिक सलाह देता है। इट फोस्टर, बढ़ावा करता है बेटर
इंटर मिनिस्ट्री मतलब एक मिनिस्ट्री का दूसरे मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन मतलब उनमें सामंजस्य एंड बी एंड बेटर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मतलब इंटर मिनिस्ट्री और स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन मतलब सामंजस्य को बढ़ावा देता है। उसके बाद इट इंश्योर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, इट डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट विलेज लेवल एंड एग्रीगेट प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ए बॉटम अप अप्रोच टू डेवलपमेंट, नीचे से ऊपर की ओर। तो क्या करेगा कि कोई ऐसा रास्ता तैयार करेगा जिसमें क्रेडिबल प्लान जो क्या करेगा जो फॉर्मुलेट किया जाएगा क्रेडिबल प्लान जो विश्वसनीय योजना एंड विलेज लेवल उसको आगे चले गांव ग्राम स्तरीय लेवल पे उसको आगे चले क्या किया जाएगा एग्रीगेट दिस प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ए बॉटम अप नीचे से ऊपर की तरफ। फिर इट क्रिएट्स ए नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम थ्रू ए कोलाबरेटिव सहयोगात्मक कोलाबरेटिव कम्युनिटी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स प्रैक्टिशनर्स एंड पार्टनर्स। नीति आयोग विल मॉनिटर करेगा एंड इवेल्युएट करेगा इसका इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये थिंक टैंक है जो गवर्नमेंट को क्या करेगा क्रेडिबल जो भी इंफॉर्मेशन होंगे जो भी सहयोग होगा जो टेक्निकल और क्या बोलते हैं उसको स्ट्रेटजिक जो भी ऑल हर की एलिमेंट पॉलिसी जो होंगी उसके ऊपर क्या करेगा वो अपना देगा वो सजेशन देगा एडवाइस देगा। ये फोस्टर करेगा रिलेशनशिप सामंजस्य इंटर मिनिस्ट्री और सेंटर स्टेट के बीच में और ये इंक्लूसिव ग्रोथ है उसके लिए वो इंश्योर करेगा कि देश में क्या हो इंक्लूसिव ग्रोथ हो। ये मॉनिटर करेगा एंड इवेल्यूएट करेगा इसका इम्प्लीमेंटेशन जो भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुए उसका मॉनिटरिंग भी करेगा और इसका इवोल्यूशन भी करेगा। ठीक है, आप फोकस करेगा हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। अब इस ऑब्जेक्टिव से क्या 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 फायदे नीति आयोग लेंगी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नीति आयोग का जो एम है जो भी ऑब्जेक्टिव और एम था उसे क्या हुआ अकॉम्प्लिश नीति आयोग एम अकॉम्प्लिश क्या वो पूरा करना या प्राप्त होना चाहती है द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स एंड अपॉर्चुनिटीज। जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे उस ऑब्जेक्टिव के बेस पे क्या क्या वो अकॉम्प्लिश कर सकती है करेगी। तो एन एडमिनिस्ट्रेशन पैराडाइम मतलब प्रशासन का पैराडाइम मतलब क्या होता है आदर्श प्रतिमान स्थापित करना चाहिए इन विच गवर्नमेंट इज इनेबलर से मतलब ए पर्सन और थिंग जो भी क्या होता है किसी भी चीज को क्या करता है मेक समथिंग पॉसिबल। गवर्नमेंट इज एन इनेबलर रेदर देन प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रिजॉर्ट पहला और आखिरी उपाय या नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या होना चाहिए एक इनेबलर होना चाहिए ना कि वो एक प्रोवाइडर की भूमिका अदा करे। प्रोग्रेस फ्रॉम फूड सिक्योरिटीज हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन में देखा था कि हमेशा फूड इसमें क्या है कि हम लोग फूड सिक्योरिटी से आगे बढ़े टू फोकस ऑन ए मिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का जो मिक्स एग्रीकल्चर का जो उसमें क्या होना चाहिए जो धान गेहूं ये सब चीजें उससे क्या है उसमें मिक्स भी होनी चाहिए ताकि क्या हो एज वेल एज एक्चुअल रिटर्न दैट फार्मर गेट फ्रॉम देयर प्रोड्यूस। तो क्या होगा कि प्रोग्रेस फ्रॉम फूड सिक्योरिटी फोकस ऑन ए मिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एज वेल एज एक्चुअल रिटर्न दैट फार्मर्स गेट फ्रॉम देयर प्रोड्यूस। तो जो फार्मर है जो वो प्रोडक्शन करते हैं जो भी उगाते हैं उससे उनको क्या रिसीट हो रहा है क्या उनको मिल रहा है उस पर भी ध्यान देना है। लिवरेज इंडियाज पूल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्पेसिफिक एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल। तो लिवरेज कीजिए किसका इंडियन पूल ऑफ एंटरप्रेन्योर स्पेसिफिक एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल का। यूज टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस ओपेसिटी अपारदर्शिता अस्पष्टता ओपेसिटी एंड पोटेंशियल फॉर मिस एडवेंचर इन गवर्नमेंट। कोई भी मिस हैपनिंग इन गवर्नमेंट में तो कोई टेक्नोलॉजी यूज करके जो अपारदर्शिता है जो
मिस हैपनिंग, जो पोटेंशियल संभावित कुछ ऐसा मिस एडवेंचर होना है गवर्नमेंट में, उसको कंट्रोल किया जाए। इलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को क्या करना, जड़ से खत्म करना। एंड चांस फॉर एवरी इंडियन, और हर हिंदुस्तानी के लिए टू लीव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी, मर्यादा का लाइफ, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान का। रिड्रेसल, निवारण करना ऑफ इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन जेंडर बायस, कास्ट एंड इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज, और सेफ गार्डिंग ऑफ आवर एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल एसेट्स। तो नीति आयोग एम्स टू एकॉम्प्लिश द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ, मतलब ऑसर्स किसके द्वारा, जो उसका ऑब्जेक्टिव और एम के थ्रू वो क्या क्या एकॉम्प्लिश करना। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पैराडाइम, इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट एज इनेबलर होगा ना कि रेदर देन प्रोवाइडर का होगा। प्रोग्रेस, फूड सिक्योरिटी से हम लोग प्रोडक्शन मिक्स में, प्रोडक्शन मिक्स क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मिक्स के ऊपर ध्यान देते, जिससे क्या, और एक्चुअल रिटर्न दैट फार्मर गेट, जो एक्चुअल रिटर्न जो फार्मर को उनके प्रोड्यूस मिलता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। लीवरेज, मतलब इसको क्या किया जाए, निवारण किया जाए, यूज किया जाए, यूज एक तरह से लीवरेज इंडिया पूल ऑफ एंटरप्रेन्योर स्पेसिफिक एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल, जो अपने देश से दूसरे देश में चले जा रहे हैं, चाहे प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, हो पा रहा है, तो उसके ऊपर क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए, इसको यूटिलाइज यूज किया जाए समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज, और यूज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की यूज के मदद से रिड्यूस किया जाए ओपेसिटी, अपारदर्शिता जो भी है, और इलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड चांस फॉर एवरी इंडियन टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और सेफ गार्ड के लिए से इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल एसेट्स को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नीति आयोग का जो फंक्शन कार्य क्या क्या है, तो नीति आयोग का जो कंप्लीट रेंज ऑफ एक्टिविटीज है उसको चार मेजर हेड में डिवाइड किया जा सकता है। एक डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सरकारी संवाद, और मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये जो नीति आयोग फंक्शन है उसमें उसको मेजर चार मेजर हेड में डिवाइड किया जा सकता है। ये डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब में चार महत्वपूर्ण, मतलब मेजर हेड में इसका डिवीजन हो सकता है। तो नीति जो है, नीति आयोग का उपलब्धि अचीवमेंट्स क्या क्या है, इसमें भी इसका जो इनिशिएटिव जिसका पहल था वो इंक्लूड करता है क्या, 15-year विजन में, 7-year स्ट्रेटजी एंड 3-year एक्शन एजेंडा इसकी उपलब्धि में आती है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अभी बताते हैं। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड जीर्णोद्धार, कायाकल्प इसको बोलते हैं, एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो स्कीम था वो लॉन्च हुआ था इन 2015 में। इसका विद द फोकस टू एस्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कुड इंश्योर एडुकेट पर्याप्त सीवेज नेटवर्क एंड वाटर सप्लाई का और सीवेज नेटवर्क पर्याप्त रूप से हो, ठीक है, फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन बाई इंप्लीमेंटिंग अर्बन रिवाइवल प्रोजेक्ट्स। डिजिटल इंडिया, इनके उपलब्धियों में है डिजिटल इंडिया, AMRUT, ठीक, एमरट, अटल इनोवेशन मिशन, मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, मोटर लैंड लीज लॉ, रिफॉर्म ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली इंडेक्स फॉर रैंकिंग स्टेटस इंडिसेस मेजरिंग स्टेट परफॉर्मेंस इन हेल्थ एजुकेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑन रीजनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर एंड इलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑन स्वच्छ भारत अभियान एंड सब ग्रुप ऑफ CM ऑन, मतलब चीफ मिनिस्टर्स और स्किल डेवलपमेंट, ये सब इसके अचीवमेंट उपलब्धियों में गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा। अब थोड़ा सा इसके ऊपर देख लेते हैं, 15-year विजन मैप, 7-year स्ट्रेटजी एंड 3-year एक्शन प्लान।
तो जो 15 ईयर विजन प्लान है वो क्या है, विच विल लिंक टू, ये क्या लिंक किया किससे, लॉन्ग टर्म सोशल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, और इस गोल को प्राप्त करने के लिए टू कन्वर्ट द लॉन्गर इनटू इंप्लीमेंटेबल पॉलिसी एंड एक्शन, तो ये 7 ईयर स्ट्रेटजी तैयार किया गया, और 3 ईयर एक्शन एजेंडा क्या, ये प्रपोजेज ए पाथ टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपल, बेसिकली फाइनेंशियल के बारे में, जैसे कि यूपीएससी क्वालिफाई करना विजन, अब इसको विजन को एकम्प्लिश करने के लिए क्या होगा, अपना क्लास मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल सब, और ये जो हम सिलेक्शन करेंगे तो अपना एक्शन प्लान कि भैया हम इस चीज को अचीव करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं अभी। तो ये इसी तरह विजन, एक लॉन्ग टर्म विजन, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको थोड़ा स्ट्रेटजिक प्लान और एक्शन प्लान, तीन जो प्लानिंग, जो 5 ईयर प्लान जो खत्म किया गया, तो उसके बदले में ये प्रपोज किया गया। तो नीति आयोग वर्सेज प्लानिंग, जो प्लानिंग कमीशन था, तो क्या है, द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ टू बॉडीज आर डिफरेंट, इनका जो कंपोजिशन और कार्य था वो क्या था, डिफरेंट है। प्लानिंग कमीशन डिड नॉट हैव स्टेट या यूटीज रिप्रेजेंटेशन, जबकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि नीति आयोग में इनका रिप्रेजेंटेशन है। प्लानिंग कमीशन वाज द ऑपरेशनल आर्म ऑफ द एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, विच इज ए पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ए पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन। नीति आयोग हैज गवर्निंग काउंसिल दैट अप्रोक्सीमेट टू द एनडीसी, दैट इज नीति इज प्लानिंग कमीशन एंड एनडीसी, मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज वन बॉडी। अब क्या, पीसी प्लानिंग कमीशन वाज डायरेक्टेड बाय द एनडीसी टू कम अप विद या फ्लैश आउट द 5 ईयर प्लान, ये एनडीसी क्या था, डायरेक्टेड था कि भैया डायरेक्ट करता था प्लानिंग कमीशन को कि आप 5 ईयर प्लान के साथ मतलब उसको बनाए ड्राफ्ट करें। द नीति आयोग इन कंट्रास्ट हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग एज इट हैज बीन एबोलिश्ड, नीति आयोग क्या एक थिंक टैंक है जो गवर्नमेंट कोऑपरेशन, इंटर मिनिस्ट्री, स्टेट सेंटर कोऑपरेशन और स्ट्रेटजिक टेक्निकल एडवाइस जो भी है, पॉलिसी फ्रेमवर्क उस पर एडवाइस देना, इनोवेशन, ये सब चीजें इसके अंदर में आता है, ना कि पॉलिसी मेकिंग करना। नीति आयोग हैज प्रोविजन फॉर रीजनल काउंसिल्स, रीजनल काउंसिल्स का प्रोविजन जो वन और मोर स्टेट या रीजन के बीच में कोई स्पेसिफिक इशू, उसके ऊपर रीजनल काउंसिल बनाएंगे, उसमें स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे और यूटीज के जो गवर्नर होंगे उसके मेंबर, उस मीटिंग को कौन बुलाएगा, तो प्राइम मिनिस्टर। दैट प्लानिंग कमीशन डिडंट है, प्लानिंग कमीशन का ऐसा कुछ नहीं था, प्लानिंग कमीशन हैड मोर मेंबर्स एंड दे वर ऑल फुल टाइम मेंबर्स, पर हम लोगों ने इसमें नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर 4 होंगे। प्लानिंग कमीशन हैड एलोकेटिव फंक्शन रिकमेंडिंग प्लान फाइनेंशियल ट्रांसफर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एक्सेट्रा, नीति आयोग डजंट हैव सच ए फंक्शन, नीति आयोग के पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। अब शॉर्ट में हम लोग प्लानिंग का और एनडीसी का बारे में जानकारी लेते हैं। तो एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और राष्ट्रीय विकास परिषद इज द अपेक्स बॉडी फॉर डिसीजन क्रिएटिंग एंड डिलीबरेशन ऑन डेवलपमेंट मैटर इन इंडिया। तो एनडीसी क्या था कि ये क्या होगा, डिलीबरेशन ऑन डेवलपमेंट मैटर्स ऑफ इंडिया, ये अपेक्स हायर बॉडी थी, प्रिसाइडेड बाय, इसको प्रिसाइडेड हो इसका जो चेयरमैन, जो एक तरह से जो मीटिंग के हेड होते थे, कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ये कब सेटअप हुआ था, 6 अगस्त 1952 को, स्कीम की मजबूत बनाने के लिए मोबिलाइज करने के लिए एफर्ट एंड रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, 5 ईयर जो पंचवर्षीय प्लानिंग होता था, पंचवर्षीय योजनाएं जो बनती थी उसको जो फाइनेंस चाहिए, जो भी चीज चाहिए वो डायरेक्ट करता था, इसके थ्रू उनको प्रोवाइड करवाया जाता था। तो मेड बाय द प्लानिंग कमीशन, द काउंसिल कंप्राइजेज शामिल होते प्राइम मिनिस्टर, द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स और देयर नॉमिनी या सब्स्टिट्यूट्स। प्लानिंग कमीशन क्या है, प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया था, द प्लानिंग कमीशन वाज एन इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वाज सेट अप ऑन, एक बनाया गया था 15
मार्च ऑफ 1950 एंड डिजॉल्व ऑन 13 अगस्त 2014 को ये खत्म कर दिया गया। और प्लानिंग कमीशन में क्या, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज अ चेयरपर्सन, ठीक है, द कमिटी हैड नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, विद द रैंक ऑफ अ फुल कैबिनेट मिनिस्टर, जो फुल कैबिनेट मिनिस्टर जो होते थे वो क्या डिप्टी चेयरमैन के तौर पर इनको नॉमिनेट किया जाता था। फुल टाइम मेंबर्स ऑफ द कमीशन इंक्लूडेड द फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्लानिंग, ठीक है। द कमीशन वर्क थ्रू वेरियस डिवीजन ऑफ, देयर आर टू काइंड्स, एक है जनरल प्लानिंग डिवीजन और दूसरा था प्रोग्रामिंग एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। अब इसको देखने के बाद प्लानिंग डिफरेंस जो कंपेरिजन जो किया थोड़ा तो प्लानिंग और नीति आयोग में, तो वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली पॉइंट वाइज और ऑब्जेक्टिव पर्पज से ज़्यादा है, तो इसको देखिए समझिए और कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।